हेलो गाइस, नमस्कार यूट्यूब फैमिली। तो आज का सीन कुछ ऐसा है कि मैं जा रहा हूँ पापा लोगों के साथ उसके ड्यूटी साइड। पापा को लेके जाना है क्योंकि आज हो रही है बारिश हल्की हल्की, तो पापा लेके चल बोले हैं, तो उनके साथ रहना है लगभग 4 या 5 बजे तक। कुछ कुछ काम है उनका, अब जो भी काम है जाने के बाद पता चलेगा, और सरकारी काम है आप लोग समझ सकते हो। तो इंतज़ार कर रहा हूँ पापा का, बैठा हूँ मैं यहाँ पर गाड़ी में, और वैसे जाने का तो कहीं नहीं है, उधर अपना गांव में ही है पलना शलना ड्यूटी। तो चलिए चलते हैं पापा के आने के बाद। तो दोस्तों एक दिक्कत हो गया कि पापा को मैं छोड़ दिया पलना जहां पापा ड्यूटी करते हैं सरपंच के घर में, लेकिन एक फाइल को भूल गया है। यहां पर पहुंचे तो पापा याद किया उस फाइल को लाना, जिस फाइल का काम है, तो वापस लेने के लिए मैं घर जा रहा हूं उसी फाइल को। तो मैं लगभग 5-10 मिनट के अंदर पहुंच जाऊंगा, और पापा जी इंतजार कर रहे हैं फाइल का, तो उसके बाद उनका फाइल में जो भी करना है वो हो जाएगा। और आप भी हमारे फाइल को सब्सक्राइब कर दो, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। हाँ, तो मिलते हैं वापस, डायरेक्ट चाचा घर मिलेंगे वापस में। ओके ओके। तो ये भी मैं पहुंच गया हूँ जहाँ पर पापा है, वहीं पर देख सकते हो ये है चाचा घर। तो चलो चलते हैं इसको खाते खाते। तो दोस्तों आज पापा लोगों का काम हो गया, पापा लोगों को घर में छोड़ दिया हूँ। उन लोग बाइक से जाएंगे पलना चाचा के साथ, और मैं जा रहा हूँ पलना क्योंकि मैं दूसरे काम से जा रहा हूँ, और पापा थोड़ा सा लेट से आएंगे, और मेरे को अलग काम है, कुछ पंचायत में ही काम है लेकिन पर्सनल अलग काम है जिसको मैं बता नहीं सकता क्योंकि दिस इज अ प्राइवेसी। ओके, तो चलो चलते हैं जाते हैं। तो मैं अभी पहुंच गया हूं पलना, यहां पर मेरा काम बस होने ही वाला है, जस्ट मैं उतरूंगा मेरा काम हो जाएगा, तो उसके बाद यहां से जाएंगे घर। और मेरे को बुलाने भी आ रहा है, अच्छा है। तो अभी बज रहे हैं 5:30, तो मैं विश्रामपुरी गया था, विश्रामपुरी से लाया ये चने और ये मूंगफली खाने के लिए सुबह सुबह भिगो कर। तो चलो अंदर चलते हैं, इसको रख देते हैं, थोड़ा सा भिगो देते हैं, सुबह खाएंगे खाली पेट में ब्रश करके। उसके बाद क्या है, इधर उधर घूमेंगे आप, तो चलो मिलते हैं कुछ देर बाद। तो अभी मैं टकुप्पा जा रहा हूँ, स्कूल से आ गया है बहुत टाइम पहले, और अभी पढ़ाई कर रहा था। इसका सीन देखते हैं आप, पढ़ के देखते चलिए कौन सा है, क्या है क्या है। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, उसके बाद, उसके बाद, वेरी गुड। कथंगा मैं तो। तो भाई लोग अभी का सीन कुछ ऐसा है कि मैं जा रहा हूँ दिलीप भाई के घर साइड, क्योंकि कुछ पल फ्रेंड जोन के साथ भी रहना जरूरी है, और हल्की हल्की बारिश हो रही है, तो मैं आज उसी के साथ रुकने का, उन्हीं के घर में रुकने का प्लान किया हूँ, क्योंकि महीना में 2 या 3 बार तो मैं दिलीप भाई के घर जाता ही हूँ रुकने के लिए, और जस्ट पास में ही है। इधर से जाएंगे शॉर्टकट वाला, और उधर जाएंगे थोड़ा तो लंबा पड़ जाएगा। तो चलो चलते हैं दिलीप भाई के रूम में, मिलते हैं डायरेक्ट, आपको भी दिखाएंगे क्या है सीन वो सब चीज। और दिलीप भाई भी शायद खाना खा लिया होगा, और चलो इस हल्की बारिश का मज़ा भी ले लेते हैं, चाहिए ना बारिश का मज़ा लेना चाहिए, लाइफ में बारिश का मज़ा लेना चाहिए। पहले तो हम छोटे बच्चे थे ना, तो बहुत मस्ती करते थे, मार भी खाते थे, और अभी मार नहीं खाते लेकिन मस्ती करने का समय भी नहीं होता, तो मैं तो ले लेता हूँ यार मज़ा, आप भी ले लो बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। तो चलो जस्ट पहुंचने वाले हैं दिलीप भाई के घर में। तो ये मैं पहुंच गया, और दिलीप भाई भी इधर निकला है मेरा स्वागत करने के लिए निकला है। यहाँ पर ही फैन चल रहा है, और दिलीप भाई का रूम आप लोग देख सकते हो, ऐसा है कुछ, यहाँ से भाई का ऐसा कपड़ा है, मेरा तो ऐसे रन भन पड़ा रहता है, भसड़ मचा रहता है, इधर उधर फेंक दिया रहता हूँ, जरूरत पड़ता है तो उठा नहीं यार, मेरा कपड़ा ना अलमारी में रहता है साफ करने के बाद, सूखने के बाद इधर उधर नहीं फेंकता, जहाँ मेरे को पहनने का होता है उसको एक जगह रखे रहता हूँ, और जो धोने का होता है तो उसको धोकर सुखाए रहता हूँ, बस सीन में वही है। तो मिलते हैं कुछ देर बाद दिलीप भाई के आने के बाद यहाँ पर। तो दिलीप भाई भी आ गया खाना खा के, अपने उधर सोया है, इंटरनेट चला रहा है, इसके रूम में फिर अच्छे से इंटरनेट नहीं चलता, लेकिन फ्रेंड जोन में रहने का सीन ही कुछ अलग है। तो अभी हम कुछ कुछ बातें करेंगे, और भाई के पास ना बहुत मोटिवेशनल बुक्स है, उसको भी थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे यार। उसके बाद आप लोगों को पता है, तो इस ब्लॉग को एंड नहीं करते हैं, देख सकते हो दिलीप भाई अभी भूख निकालेगा, जस्ट खाना खा के आया है, थोड़ा सा रेस्ट कर रहा है। तो मिलते हैं दोस्तों कल के अगले ब्लॉग में, पसंद आए तो लाइक करो शेयर करो, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।